नेक्स्ट है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और इसे हम कह सकते हैं एक्शन और रिएक्शन लॉ। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन लॉ। तो सपोज दैट हमारे पास कोई बॉडी ए है, एक बॉडी वी है, ठीक है, टू बॉडीज हैं हमारे पास। पहले डेफिनेशन इसकी बताता हूँ मैं आपको। तो द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट ए फोर्स बैक ऑन फर्स्ट। दीज टू फोर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड व्हाट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, टू एवरी एक्शन दिस इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सपोज दैट क्या है, वी हैव द टू बॉडीज, बॉडी ए, और बॉडी ए अप्लाइड ए फोर्स एफ, अप्लाइड ए फोर्स एफ ऑन बॉडी बी, ऑन बॉडी बी या बॉडी सेकेंड बॉडी, ये फर्स्ट बॉडी है और सेकेंड बॉडी, देन सेकेंड बॉडी इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट ए फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट बॉडी एफ। दीज टू फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जब कोई बॉडी है हमारे पास, जैसे ए है, ए ने इस पर एक फोर्स एफ न्यूटन एक्सर्ट किया बॉडी सेकेंड बॉडी पर, तो सेकेंड बॉडी भी इस पर इसी सेम एफ फोर्स को क्या करेगी, एक्सर्ट करेगी, अप्लाई करेगी। तो दोनों फोर्स का जो, जितना बॉडी ए बी पर फोर्स अप्लाई करेगी उतना ही बॉडी बी इस पर भी फोर्स अप्लाइड करेगी। ठीक है, बट दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, जो फोर्स होगा, फोर्स कैसे होंगे, फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में लगेंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी अपोजिट। ठीक है, तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ बिटवीन टू बॉडीज के लिए ही अप्लाई हुआ। तुम कहें, हम कहें सिंगल बॉडी पर न्यूटन्स का थर्ड लॉ एप्लीकेबल हो जाए, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो टू बॉडीज के बीच वर्क करेगा। द वर्ड है एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन इंडिकेट टू फोर्सेस। ठीक है, ये फोर्स वन हो गया, ये फोर्स टू हो गया। ठीक, नेक्स्ट थिंग क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली फॉर एग्जैक्टली इक्वल टाइम में। ठीक है, टाइम भी इक्वल लगता है इसमें। ठीक, नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, बताया ही था इससे पहले हमने। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इट इज़ क्लियर दैट फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर। तो जो फोर्स इस पर अप्लाई होता है वो पेयर में, सिंगल फोर्स इन नेचर नॉट पॉसिबल, सिंगल फोर्स इन नेचर में नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक है, और डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट होती है। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम आपकी बुक से। ठीक है, एग्जांपल है स्विमिंग ऑफ ए पर्सन। व्हाइल स्विमिंग ए स्विमर पुशेस द वाटर बैकवर्ड विद हिज आर्म। जो स्विमर होता है स्विम्स करते समय पुश करता है वाटर को बैकवर्ड विद अपनी आर्म से। दस एक्शन फोर्स इज एक्टिंग ऑन वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो एक्शन फोर्स लगाता है वो वाटर पर बैकवर्ड डायरेक्शन में। इन टर्न
वाटर एग्जर्ड ऑन इक्वल फोर्स, उतना ही इक्वल फोर्स वाटर क्या करता है स्विमर की बॉडी पर रिएक्शन फोर्स के रूप में लगाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ड्यू टू विच इसके कारण क्या होता है द स्विमर इज एबल टू स्विम फॉरवर्ड, इसी के कारण स्विमर क्या होता है आगे को तैरना तैरता है। रिकॉल ऑफ गन, व्हेन अ गन इज फायर्ड, जब गन से फायर किया जाता है तो इट एग्जर्ट ए फोर्स फॉरवर्ड पुश, तो ये एग्जर्ट क्या करती है फॉरवर्ड पुश को, ठीक है, ऑन द बुलेट, बुलेट पर, द बुलेट एग्जर्ट ऑन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन द गन, बुलेट भी क्या करती है इक्वल और अपोजिट रिएक्शन लगाता है फोर्स किस पे, गन पर, एज ए रिजल्ट क्या होता है देन गन रिकॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो गन क्या होती है रिकॉल पीछे की ओर धक्का लगता है उसमें जब फायर होता है बुलेट में तब, सिंस मास ऑफ द गन, गन का मास ग्रेटर होने पर कंपेयर टू बुलेट फॉर द सेम फोर्स द बैकवर्ड एसिलरेशन ऑफ गन इज मच लेस देन देन फॉरवर्ड एसिलरेशन ऑफ द बुलेट, ठीक है, यानी हमारे पास फॉर्मूला होता है पी इक्वल एम बी मोमेंटम का, यहाँ से मास डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया बी के, ठीक है, अब बी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एम के, अगर हम किसी चीज़ का क्या करेंगे मास को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर मास इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा डिक्रीज, और हमने गन का क्या किया है गन का मास कंपेयर टू बुलेट से क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया, जिससे उसकी क्या है वेलोसिटी कम हो गई, अगर दोनों का मास सिमिलर हो बुलेट और गन का तो जितनी ही आगे बुलेट जाएगी उतना ही पीछे गन जाएगी, बट करते क्या हम गन के मास को इंक्रीज कर देते हैं जिससे वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, और भी एग्जाम्पल आपकी बुक्स में दे रखे हैं आप उन्हें रीड करेंगे, ठीक है, और अगर कोई चीज़ आप नहीं समझ सकते हैं तो उसे हमें पूछेंगे, मैनी एग्जाम्पल आर गिवन इन योर बुक्स, बार्किंग ऑफ ए पर्सन, रिकॉल ऑफ ए गन, फाइट ऑफ ए वर्ड, रोइंग ऑन ए बोट इन ए रिवर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए जेट प्लेन ई टी सी, ओके।